जानिए क्या है स्टैंड अप इंडिया योजना, लोन के लिए ऐसे करें अप्लाई। स्टैंड अप इंडिया लोन योजना महिला और अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई पहल है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह बेसिकली देश के निचले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक लोन योजना है। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के बीच एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। स्टैंड अप इंडिया लोन योजना से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर एक महिला को बैंक से लोन लेकर एक नई परियोजना या व्यवसाय की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देता है। कारोबार निर्माण व्यापार क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। गैर व्यक्तिगत कारोबार के मामले में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला की कारोबार में 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए। उद्यमियों को फाइनेंशियल सहायता अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए पैसे की वापसी या पूंजी के लिए उन्हें एक रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। योजना से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी और लोगों को अपने व्यापार स्थापित करने का मौका मिलेगा। उद्यमियों को स्टैंड अप इंडिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सहायता करना है। व्यापार शुरू करने पर पहले 3 साल इनकम टैक्स में छूट। आवेदन करने के लिए एक छोटा सा फॉर्म भरने पर लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द सेल्फ ड्राइव हो जाएगी। एक फास्ट ट्रैक रोड मैप का गठन और एक डेडिकेटेड वेबसाइट और आवेदन विकसित किया जाएगा। आवेदक एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों में से होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। इस योजना के तहत लोन केवल ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में ग्रीनफील्ड का मतलब है कि निर्माण या सेवाओं या व्यापार के क्षेत्र में लाभार्थी पहली बार काम कर रहा है। आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवेदक को बताए गए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। पहचान का सबूत आधार कार्ड के रूप में, निवास का प्रमाण, व्यवसाय पते का सबूत, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, बैंक खाता विवरण, नवीनतम आयकर रिटर्न, रेंट अग्रीमेंट यदि किराए पर व्यावसायिक परिसर, परियोजना रिपोर्ट। इसमें काफी रियायती दर पर लोन दिया जाता है। यह बेस रेट MCLR प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए आप अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें या https://www.standupmitra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जब आए वहां बाएं तरफ यहां आवेदन करें पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.